दोस्तों बहुत दिनों बाद किसी नेता ने वो कहा जिसको ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि या ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ कि जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे और जिसकी बातें सुनने के बाद मुझे पहली बार एक संतुष्टि का एहसास हुआ। और दोस्तों अगर ए नेता की बात अगर करें तो ए नेता है आम आदमी पार्टी के अभी जो मुख्यमंत्री हाल फिलहाल पंजाब के बने हैं भगवत मान जी। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रिश्वत कोई काम करने की मांगता है तो आप उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है उसमें भेजिए, हम इसकी जांच करेंगे फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों एक ऐसी बातें हैं जिसको आज हर नेता को हर देश के मुख्यमंत्री को यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों आज के इतने बढ़ते टेक्नोलॉजी में अगर हम ये कहेंगे इतने टेक्नोलॉजी के बाद भी कि करप्शन हमारे बस की बात नहीं है, हमारे नाक के नीचे से कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जी चुराने वाली बात होगी। करप्शन को ख़त्म नहीं करने की बस इच्छा शक्ति होगी और कुछ नहीं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर जगह जहाँ चाहे वहाँ से हम करप्ट अधिकारी या करप्ट कर्मचारियों को पकड़ सकते हैं। और इसमें जो अभी जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है, जो मीडिया कम्युनिकेशन जो बढ़ा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों आज किसी भी व्यक्ति का कोई पैसा मांग रहा है या कोई किसी काम के बदले मांग रहा है या कोई किसी और के नाम पर मांग रहा है, क्योंकि करप्शन में कभी कल ऐसा होता है कि मुख्य आदमी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, होता यह है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति को कह देते हैं और वो उनके लिए पैसे ले लेता है और उनका काम हो जाता है। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड कर ले तो अगला तीसरे व्यक्ति का भी तो नाम बताएगा, तो उसके आधार पर जाँच शुरू होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के युग में हम करप्शन को ख़त्म करें ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है और ये काम भगवत मान जी ने बहुत बखूबी किया है, जिसको सुनकर वाकई मेरा मन खुश हो गया है। दोस्तों हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का बस एक राजनीतिक स्टंट हो और ये भी हो सकता है कि उनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये बहुत बड़ा इच्छा शक्ति हो। लेकिन दोस्तों जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है इसने भ्रष्टाचार मतलब खत्म करने को प्रमुख मुद्दा ही बनाकर रखा है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये राजनीति के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम बदलेगा। दोस्तों एक ऐसा चीज है, एक ऐसा नींव का पत्थर रखा गया है जिसको बाकी पार्टियों को करना पड़ेगा पूरा। अगर मान लीजिए कि अगर इन्होंने जो शुरू किया व्हाट्सएप नंबर देकर करप्शन के चार्ज लगाने के लिए, अगर मान लीजिए कि इसके द्वारा बहुत सारे अधिकारी या कर्मचारी अगर पकड़े गए, भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी, तो ये बात तो साबित होगा कि जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास जगेगा और उसको लेकर आने वाले अलग अलग राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा बनाएगी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। और अगर ये बात जनता को जच गई, जैसे अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है और भी बहुत जगह, अगर ये बात जनता को जच गई तो न चाहते हुए भी बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी एक काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये हटा देगी मतलब जनता आपको हटा देगी। तो दोस्तों ये जो हुआ है बहुत अच्छा चीज हुआ है और पूरे देश के सरकारों को एक करना ही चाहिए। दोस्तों जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो दूर से समझ में आ जाती है। दोस्तों मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने एक वीडियो का शीर्षक रखा था कि सरकारी ऑफिस में हम कैमरा लेके क्यों नहीं जा सकते। सरकार को ये चाहिए कि कुछ ऐसा नियम कानून बनाए खास सेंसिटिव जगह को छोड़कर, जैसे कि जहाँ पर कोई गोपनीय बातें होती हैं उस जगह को छोड़ के बाकी सभी जगह जो पब्लिक से सीधे से अटैच है कोई भी व्यक्ति कैमरा लेकर कहीं भी घूम सकता है और वो कैमरा को रोकने को लेकर जो बात बोलेगा उस पर कार्रवाई हो और कुछ खास जगह को चिन्हित कर दिया जाए विभाग द्वारा कि इस जगह कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन खास जगह को और हर बार आकर अधिकारी चेक करें, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि केवल इसी जगह ये बोर्ड लगा कि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है और वहाँ बस कैमरा लेकर कोई ना जाए, उसके अलावा सारे जगह कैमरा अलाउ करना चाहिए सरकार को। बैंक का मतलब जहाँ पर काउंटर हो गया, सरकारी कार्यालय के काउंटर हो गया, जहाँ पर बाबू लोग बैठते हैं, वो सारे जगह कैमरा को टोटली अलाउ करना चाहिए और अगर वो कैमरा को रिकॉर्ड कर दो, कोई रोके तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप कैमरा को रिकॉर्ड करने से रोक क्यों रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पारदर्शिता का मतलब तो यही होता है और भगवत मान सरकार को इससे आगे दो कदम बढ़ के ये काम करना चाहिए। दोस्तों आपको अजीब लग रहा है सुन के ना
कि तुम यार कोई भी ऑफिस में कैमरा लेके चल जाओगे, एक कहाँ का नियम है। लेकिन दोस्तों, जहाँ सरकारी ऑफिस है, जहाँ बाबू बैठते हैं, जहाँ कार्यालय है, अगर हम कैमरा लेकर चले भी गए तो गलत क्या कर रहे हैं, उनका पर्सनल जगह पर तो नहीं लेके जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के कितने ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं, हर काम में प्राय कुछ न कुछ लेन देन होता ही है। तो अगर इस सब के सामने खुलेआम हो जाए, सरेआम हो जाए सामान्य जगहों पर या कार्यालय में, तो इसमें दिक्कत क्या है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह कैमरा अलाउ हो, कुछ खास सेंसिटिव जगह छोड़कर सारे जगह कैमरा अलाउ होने चाहिए। अगर सचमुच आपको करप्शन हटाने की इच्छा है और सरकार को करप्शन हटाने की इच्छा है, तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हर जगह कैमरा अलाउ होना चाहिए, और सरकारी ऑफिस में तो बिल्कुल। मैं निजी संस्थानों को नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि निजी संस्थान बेचारे अपने काम को तो अच्छा से नहीं करेंगे तो फिर काम होगा कैसे। लेकिन सरकारी संस्थान ऐसे हैं जिनमें उनके जो कर्मचारी होते हैं वो पूरी तरह से सरकार के पेमेंट पर निर्भर रहते हैं। मतलब काम हो चाहे ना, उनको पैसा तो मिलना ही है। तो खुद चाहेंगे कि कुछ ऐसा स्थिति है कि या तो आदमी कभी मेरे पास आकर मेरे को डिस्टर्ब करे, और नहीं तो दो चार पैसे मुझे मिल जाए। और सरकारी पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में ऐसा होता है कि आपको आपके काम के बदले ही पैसा मिलेगा, और काम ठीक से नहीं हुआ तो आपको हटा भी दिया जाएगा। और ये बस कहने की बात है, सरकार का नियम कि प्राइवेट संस्थानों में किसी को हटा नहीं सकते, बहुत सारे कड़े प्रावधान बने हैं, लेकिन ये सब किनारे वाली बात है। प्राइवेट संस्थान में किसी को हटाना रहेगा तो इजली लोगों से हटा देते हैं, भगा देते हैं इजली, लेकिन सरकारी संस्थानों में नहीं हो सकता। और प्राइवेट संस्थान जो होते हैं ना, वहाँ पर कर्मचारियों की कोई गारंटी नहीं होती भविष्य की, और उनका पेमेंट भी बहुत कम रहता है। लेकिन सरकारी संस्थान में ऐसा नहीं रहता, उनका पेमेंट भी अच्छा खासा रहता है, और उनके लाइफ टाइम उनके नौकरी की गारंटी भी रहती है। इसलिए वहाँ तो कैमरा अलाउ होना ही चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भागवत मान सिंह जी का ये निर्णय स्वागत योग्य लगता है, और दोस्तों आपको भी लगता है कि हर सरकारी ऑफिस में कैमरा अलाउ होना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी आप सब लोग को, हम सब लोग को मिलकर करप्शन के विरुद्ध आवाज़ उठानी ही चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।